देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी के द्वारा जो सेकेंड फेज की टीचरों की भर्ती है उसका जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया जा रहा है। आप में से काफ़ी सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो आज से जो है उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल होना स्टार्ट हो गया है। सो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि आप किस तरह से जो है अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया हुआ है तो लॉग इन करके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल आउट कर सकते हैं। पूरी जो है फाइनल सबमिट तक आपको हम बताएंगे, जिसमें आपको लाइव फोटो क्लिक करना, एकेडमिक डिटेल्स डालना, सभी जानकारी जो इस वीडियो में क्लियर करके बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे, और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको बीपीएससी के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको जो यूजर आईडी पासवर्ड मिला हुआ है उससे आप लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के लिए यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और लॉग इन के बटन पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखेंगे आप जो है 25/11/2023 तक जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन जो है 14/11 तक ही कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे ही लॉग इन कर लेंगे तो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी जानकारी दिया हुआ है सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। किसी प्रकार की कोई आपने गड़बड़ कर दिया है रजिस्ट्रेशन करते समय तो आप जो है इसको कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। और कैंसिल जो है 25/11/2023 से पहले आपको करना होगा, और किसी प्रकार का कोई भी रिफंड आपको नहीं मिलेगा। कैंसिल करने के बाद ही आप दोबारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करेंगे, क्योंकि डबल रजिस्ट्रेशन का जो यहाँ पे आपको अलाउ नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो पहले कैंसिल करेंगे, उसके बाद री रजिस्ट्रेशन आप करेंगे अगर आपने कोई गलती कर दिया हुआ है। हम आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और रिसेंटली जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है, मतलब कि दो बदलाव किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो है 6 से लेकर 8 क्लास के जो विद्यालय अध्यापक है उनमें जो है उम्र की छूट को लेकर की गई है। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी जानकारी दी गई है कि 1/8/2023 से जो है 10 वर्ष की छूट यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद इसमें जैसे कि आप सभी काफी सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि एसटीटी जो होता है ना, स्टेट होता है, 2023 में पास किए थे, तो उनके रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पे जो यूनिक आईडी नंबर है वो दे सकते हैं सर्टिफिकेट नंबर में, और उनका जो परीक्षा का प्रकाशन हुआ है ना वो अपना जो है इश्यू डेट में डाल सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह सीटेट के लिए मैंने बता ही दिया था कि उम्मीदवारों का जो प्रमाण पत्र है या फिर अंक पत्र में अंकित जो भी सीरियल नंबर है उसको ही डालेंगे, और उस पर जो भी निर्गत तिथि है उसको अंकित करेंगे। मैंने आपको जानकारी पहले ही बता दिया था, और ऑफिशियल तौर पर यहाँ पे जो है बीपीएससी ने इसको एक नोटिस जारी करके बता ही दिया है। तो अब जो है सर्टिफिकेट नंबर में क्या डालना है और क्या अपलोड करना है, सीरियल नंबर क्या भरना है, मैंने आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने का हमने जो है वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको जो है आई बटन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने जो है रजिस्ट्रेशन करते समय दोनों जो है डिपार्टमेंट के लिए टिक करके जो है फॉर्म को अप्लाई किया था, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो है कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ऑल वारफेयर डिपार्टमेंट है, तो जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं बस उसके सामने आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसका जो फॉर्म है आपके सामने इस तरह से खुल जाएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये जो है फॉर्म फिल करने के लिए आप जो भी सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए लैपटॉप चला रहे हैं तो उसमें जो आपका वेबकैम तो रहता ही है, लेकिन डेस्कटॉप चला रहे हैं तो उसमें जो आपको वेबकैम लगाना पड़ेगा, और इसको अलाउ करेंगे तभी जो है फॉर्म को फिल आउट कर पाएंगे। इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो यहां पर अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद क्या होगा कि आपका जो कैमरा है ना यहां पर चालू हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी जो है आपको प्रीव्यू बेसिस पर दिखाया जाएगा, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी एडिट आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपका गलती है तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा, और फॉर्म फिल करने का जो है टाइमिंग भी यहाँ पे चल रहा है, इसके अंदर ही आपको फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बटन मिलेगा नेक्स्ट का, इस पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे देखेंगे और भी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी ऑलमोस्ट आप किसी प्रकार की कोई छेड़खानी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी आपने पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए सिलेक्ट किया हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसके अकॉर्डिंग जो भी आपने, जैसे कि मान लीजिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 6 से 8 तक के पद पर नियुक्ति हेतु जो शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यता है उसको आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है काफी सारे योग्यता रखे गए हैं, जैसे कि आपने स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त किया हुआ है, और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय जो डिप्लोमा होता है चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो अगर ने वो किया हुआ है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या फिर अपने पीजी किया हुआ है तथा बीएड किया हुआ है तो इसकी जानकारी आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी कि बीएड संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड एवं क्रियाविधि नियमों के अनुसार आपने प्राप्त किया हुआ है तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी सारे जो है क्वालिफिकेशन है, जिसमें आपका शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो इसमें जो भी क्वालिफिकेशन आप फुलफिल कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पे भरनी होगी। जैसे कि मान लीजिए हमने जो है 50% अंकों के साथ स्नातक पास किया हुआ है, नहीं तो हमने पीजी पास किया हुआ है और उसके साथ ही साथ हमने बीएड किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको टिक करूंगा। अब जैसे ही जो भी आप टिक करेंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल्स यहाँ पे डालनी होगी। जैसे कि आप जो भी सिलेक्शन करेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जानकारी यहाँ पे डालने के लिए आएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने जो है ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पे डालने के लिए बोला हुआ है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आप जो है ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पे डालिए कि आप जो है ग्रेजुएशन जो है कौन से सब्जेक्ट और कौन से स्ट्रीम से पास किया हुआ है, फिर आपका पासिंग ईयर क्या है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है, और मार्क्स में आपका जो है सीजीपीए है या फिर फुल मार्क्स कितना है, तो आपका परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा। तो इस तरह से जो है परसेंटेज वगैरह अगर आप बताएंगे, ठीक है, और उसके रिलेवेंट जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जैसे कि मान लीजिए ग्रेजुएशन का जो भी मार्क्सशीट हो गया, फिर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इस तरह से सेलेक्ट करके जहां भी आपको डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं ना, वहां से इसको अपलोड कर देंगे। इस तरह से व्यू का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये जानकारी आपको भरना है, कम से कम जो है 50% अंकों सहित स्नातक या फिर अपने पीजी तथा बीएड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी भरना होगा। फिर यहाँ पे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे। इसको भी भरना मैंडेटरी है क्योंकि आपने यहाँ पे सिलेक्ट करा हुआ है। अगर आप नीचे देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो है देख सकते हैं कि उच्चतर माध्यमिक भी यहाँ पे दिया गया है, उसके साथ ही 4 वर्षीय जो शिक्षा शास्त्र में आपने बीएलएड किया हुआ है, तो उसकी भी जानकारी आप भर सकते हैं। तो जो भी आप भरना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग भरेंगे, ठीक है। जो भी आपका क्वालिफिकेशन, वैसे आप क्वालिफिकेशन लिए हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि आपके पास कौन सा क्वालिफिकेशन है, उसकी जानकारी आप यहाँ से जरूर सेलेक्ट करेंगे। तो हमने जो यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे तो ग्रेजुएशन की भी जानकारी यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो इसकी भी जानकारी, जैसे कि सब्जेक्ट स्ट्रीम क्या है, पासिंग ईयर क्या है, इंस्टीट्यूट बोर्ड क्या है, और आपका जो है सीजीपीए क्या है, यानी कि आप मार्क्स कितना लेकर आए हैं वो बता सकते हैं। फिर मार्क्स कितना ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज यहाँ पर ले लगा दिखा देते हैं। देखिए जैसे कि आप मान लीजिए कि 500 लेकर आए हैं, आपका जो है 800 है, मतलब मान लीजिए, तो यहाँ पे परसेंटेज आपको बताना होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड करना होगा। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसको आप अपलोड करेंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। उसके बाद आपने जो बीएड किया हुआ है तो बीएड की जानकारी आपको भरनी होगी कि बीएड जो है आपने कौन से स्ट्रीम सब्जेक्ट से किया हुआ है, पासिंग ईयर क्या है, इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है, आप जो है कितना मार्क्स लेकर आए थे, या फिर सीजीपीए क्या है, डायरेक्ट आप यहाँ पे बता सकते हैं अगर सीजीपीए चलता है तो, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका मान लीजिए सीजीपीए नहीं चलता है तो आप कितने मार्क्स लेकर आए हैं, उसमें फुल मार्क्स कितना था और परसेंटेज कितना था वो बतानी होगी, ठीक है। और इसका भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। तो इस तरह से जो है सभी जानकारी को आप भरेंगे, और भरने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो है यहाँ पे प्रिफरेंस दे सकते हैं कि आप जो है कौन से पोस्ट के लिए प्रायोरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी पोस्ट के लिए आप प्रायोरिटी देना चाहते हैं उसकी जानकारी भरेंगे। जैसे कि अगर आप अलग अलग जो है क्लास के टीचर के लिए क्वालिफिकेशन फुलफिल किए होंगे, रजिस्ट्रेशन करते समय जानकारी दिए होंगे, तो आपके सामने जो है सभी क्लास का जो टीचर की जानकारी है देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मान लीजिए हमने जो है 6 से लेकर 8 तक के टीचर का ही सिलेक्ट किया था, तो मैं इसको एक नंबर ही प्रायोरिटी दे दूंगा। अगर आप चाहें तो 9 से लेकर 10 के टीचर के लिए आपने भरा होगा तो उसके आप उसको चाहे तो फर्स्ट में दे सकते हैं, इसको सेकंड में दे सकते हैं। तो जो भी आप प्रायोरिटी देना चाहते हैं तो अपने हिसाब से प्रायोरिटी यहाँ पे दे सकते हैं कि आप जो है किसको फर्स्ट में रखना चाहते हैं। तो इस तरह से जानकारी को भरेंगे। फिर एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे नेक्स्ट के, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो कैमरा है यहाँ पे चालू हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो है यहाँ पे आपका जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट का जो प्रायोरिटी आप देना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का जो है सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि बीपीएससी का ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो जब भी इसका वैकेंसी आया हुआ था ना, उस समय जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वैकेंसी का जो है यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। जैसे कि क्लास 6 से लेकर 8 तक का फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट में कौन से कैटेगरी में कितना जो है भर्ती है, ठीक है। टोटल यहाँ पे दिया गया है तो अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेंगे। जैसे गोपालगंज में देखेंगे 375 यहाँ पे भर्ती है, ठीक है, क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए। इस तरह के लिए आप जो भी क्लास के लिए भर रहे होंगे, जैसे कि 9 से 10 तक के लिए, तो इसकी जानकारी यहाँ से आप देख सकते हैं, और स्पेशल टीचर के लिए यहाँ से देख सकते हैं, और क्लास 11 से लेकर 12 तक की जानकारी जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे जो भी जिला का आप प्रिफरेंस देना चाहते हैं उसको फर्स्ट में रखना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि फर्स्ट जिला आपको कौन सा चाहिए, फिर आपको सेकेंड जिला कौन सा चाहिए, फिर यहाँ पे थर्ड जिला में आप किसको रखना चाहते हैं। तो इस तरह से जो प्रायोरिटी है आपको दे देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी मैट्रिक सर्टिफिकेट डिटेल्स है उसकी जानकारी आपको देनी होगी कि आपने जो है मैट्रिक सर्टिफिकेट नंबर क्या है। तो मार्कशीट नंबर आप दे सकते हैं जिसमें आपका सीरियल नंबर होता है, और इशू डेट भी आपको देखने को मिल ही जाता है, बताने वाली तो कोई बात है नहीं। तो जो भी आपका इशू डेट होगा यहाँ से आप सबसे पहले तो सन को सिलेक्ट कर लेंगे कि आपका जो है सन क्या है, और फिर यहाँ पे इस तरह से आप बता देंगे, ठीक है।
और यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर भी डालेंगे और उसको अपलोड भी कर देंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उम्मीदवार का कोई एक शारीरिक जो पहचान चिन्ह होता है, जैसे कि मान लीजिए कट का हो गया, तिल का हो गया, उसकी जानकारी आप यहाँ पे भर देंगे कि आपका जो है पहचान चिन्ह क्या है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है एक लाइव फोटो यहाँ पे कैप्चर करना है, जो कि आप अपने वेबकैम से ही कैप्चर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो है आप एक हिंदी में और इंग्लिश में सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, जिसका जो है डायमेंशन यहाँ पे बता दिया गया है कि डायमेंशन क्या होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो मतलब ये सिग्नेचर का जो फाइल साइज होना चाहिए 15 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो सबसे पहले जो फोटो आपको लेनी है ना, जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी जो मतलब मेरे बैकग्राउंड में तो आप काफी सारे जो है मतलब अलग अलग चीजें देखने को आपको मिल रहा होगा, लेकिन आपका जो है बैकग्राउंड इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक। और इसमें देखिए हम एग्जांपल के तौर पे किसी तरह का जो है फोटो क्लिक कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसी तरह का फोटो क्लिक कर लेंगे, ये बिल्कुल गलत है। आपको जो है पूरा यहाँ पे सीधा जो है कैमरा पे तकना है, फिर अपना दोनों जो है कान यहाँ पे आपको दिखाई देना चाहिए, और पूरा जो है जिस तरह से पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक करवाते हैं ना, जैसे कि उस तरह से आपको क्लिक करना है। अब ऐसे क्लिक मत कर दीजिएगा, वैसे क्लिक मत कर दीजिएगा, ये फिर इधर से फिर उधर से क्लिक मत करिएगा, ठीक है। एकदम सामने जो है आपको होकर कैमरा का जो है जैसे लैपटॉप नीचे रहता है तो उसको उठाकर इस तरह से आपको फोटो क्लिक करनी है। तो मेरा फोटो आप मत देखिएगा, मैं तो ऐसे ही कैप्चर कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कैप्चर किया हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपलोड इमेज के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो है ना यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। देखिए इस तरह से फोटो आपका अपलोड हो गया। और उसके बाद यहाँ पे अपना जो इंग्लिश सिग्नेचर है इसको आपको अपलोड करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो हिंदी सिग्नेचर है इसको आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे जहां भी आपका सिग्नेचर है इस तरह से आप इसको सिलेक्ट करेंगे। और देखिए अपलोड करने में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ हो रहा है, देखिए इस तरह से फोटो अगर आपका अपलोड नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना है। सबसे पहले फोटो का जो देख लीजिएगा कि इसका जो है 220 से लेकर 100 के बीच में होना चाहिए, तो इसको हम बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, इसको पेंट में आप ओपन कर लेंगे, सॉरी प्रिंट में कर रहे हैं, ओपन विथ करेंगे पेंट, ठीक है। यहाँ पे पेंट पे जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हाँ रीसाइज का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे, पिक्सल पे जाएंगे और इसको बीच में लिंक है इसको हटा देंगे। 220x100 करना है हमें, 220, ठीक है, और इंटू यहाँ पे 100 कर देंगे, ठीक है, और ओके करेंगे तो आपका फोटो बन जाएगा। इसको कंट्रोल एस कर देंगे, सेव हो जाएगा, ठीक है। अब सेव होने के बाद क्या करेंगे कि जो भी आपने फोटो सिलेक्ट करा था, देखिए ये वाला है, इसको आप इस तरह से अपलोड करेंगे, अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप हिंदी भी कर सकते हैं। मैंने मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ, इसलिए जो आपको इस तरह से दिखा रहा हूँ, आप जो भी फॉर्म फिल करेंगे उसी ढंग के फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको जो है डिक्लेरेशन देना है, और फिर यहाँ पे जो है सबसे पहले तो आपको प्रीव्यू कर देना है, आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है उसका प्रीव्यू जरूर कर लेना है, फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी को आपको चेकआउट कर लेना है, ठीक है। और जानकारी को चेकआउट करने के बाद आपको जो है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करना है। पूछ रहा है कि आपने जो है सभी जानकारी को चेक कर लिया है, तो आपने चेक कर लिया हुआ है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अब जैसे ही यस करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पे सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो सेशन है वो भी यहाँ पे एक्सपायर कर दिया है, फिर से जो हमें लॉगिन करना पड़ेगा प्रिंट आउट निकालने के लिए। तो बताते हैं कैसे आपको प्रिंट आउट निकालनी है। तो देखिए जैसे ही आप दोबारा लॉगिन करेंगे ना, तो अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जो भी एप्लीकेशन को जो है फिल आउट किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट आपका लिखेगा कि यू हैव कंप्लीट योर एप्लीकेशन प्रोसेस, यू कैन डाउनलोड योर फिलेड एप्लीकेशन फॉर्म हेयर, ठीक है। तो आप यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है प्रिंट आउट देखने को मिल जाएगा, जिसमें ऑलमोस्ट आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको जो है आपको नीचे आकर प्रिंट कर लेना है, या फिर कंट्रोल प्लस पी करके आप इसको प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं, या फिर खुद अपना फॉर्म फिल किए हुए हैं। देखिए प्रिंट जो है A4 साइज ही आपको करना है, A4 साइज में इसको प्रिंट करना है। यहाँ पे क्लिक टू प्रिंट के बटन पर क्लिक करेंगे, A4 साइज में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से प्रिंट कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने जो है वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी यहाँ पे सिलेक्ट किया था, तो उसको भी चाहे तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके जो है फॉर्म को फिल आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है आपको दोनों में फॉर्म को फिल करना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया अगर वेलफेयर डिपार्टमेंट करना चाहते हैं तो अलग से करनी होगी, या आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में करना चाहते हैं तो अलग से आपको फॉर्म फिल करनी होगी। सेम प्रोसेस आपको निभानी होगी जो प्रोसेस आपने मैंने आपको बताया कि वही जानकारी यहाँ पे भरना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप जो है अपना क्वालिफिकेशन
ऑप्शन बताएंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और लाइव फोटो क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया है कि इस तरह से बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षकों की भर्ती चल रही है उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको फिलआउट करना है। रजिस्ट्रेशन अभी तक आपने नहीं किया हुआ है तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें क्लियर करके बता दिया था कि इस तरह से आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है। और बेसिकली यहाँ पर बीपीएससी ने अपना जो है एक नोटिस जारी कर ही दिया है कि आपको स्टेट पेपर में और सीटेट पेपर में सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट में क्या डालना है और क्या अपलोड करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बढ़िया से अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 14 तक ही रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और 25 तक जो है आपका फॉर्म यहाँ पर फिल किया जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।